2.4 का प्रश्न 2 कर रहे हैं और इसमें हमें बताया गया है कि यह एक समीकरण दी है और हमें कहा गया है कि इस समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए यदि इसके मूल बराबर हो, यदि इसके मूल बराबर हो। तो आइए इसे पहले हल कर लेते हैं। देखिए यहाँ एक ब्रैकेट है जो kx से गुना हो रही है, इसका मतलब ये kx इससे भी गुना होगा और इससे भी गुना होगा। तो आइए कर देते हैं, kx को जब x से गुना करेंगे तो हमें मिलेगा kx स्क्वायर माइनस 2 को जब kx से गुना करेंगे तो हमें मिलेगा माइनस 2kx प्लस 6 बराबर 0। इसे हम कंपेयर करेंगे ax स्क्वायर प्लस bx जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है प्लस c बराबर 0 के साथ। तो हमें देखिए a कितना प्राप्त होगा, x स्क्वायर के साथ है k, x स्क्वायर के साथ है a, तो a किसके बराबर आ गया, k के बराबर, इसको हम निकालेंगे अभी। b किसके बराबर आया, x के साथ है b या x के साथ है माइनस 2k, इसका मतलब b बराबर है माइनस 2k के। और c किसके बराबर है, 6 के बराबर। अब हमें दिया गया है यदि समीकरण के मूल बराबर हैं तो d 0 के बराबर होगा। यही हमने पढ़ा था मूलों की प्रकृति में कि बराबर वास्तविक मूल, देखिए बराबर वास्तविक मूल है तो d यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर होगा 0 के। तो यानी कि d 0 के बराबर है यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac यह 0 के बराबर है। आइए हम इसे हल करते हैं। b किसके बराबर है, देखिए माइनस 2k, माइनस 2k का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a, a किसके बराबर है k के, इंटू c, c किसके बराबर है 6 के बराबर, यह बराबर होगा 0 के। आइए हम इसे हल करते हैं। माइनस का स्क्वायर होगा प्लस, 2 का स्क्वायर होगा 4, k का स्क्वायर होगा k स्क्वायर। आगे आ गया माइनस 4 गुना 6 24, साथ में है k बराबर 0। इसे हम हल करेंगे। अगले स्टेप में 4k स्क्वायर, ये माइनस 24k है, जब ये उधर जाएगा तो ये हो जाएगा 24k। बच्चों अब अगले स्टेप में ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे है k स्क्वायर और यहाँ पे है 24, 4 यहाँ k स्क्वायर के साथ गुना हो रहा है, जब उधर जाएगा तो 24 के साथ भाग हो जाएगा, k यहाँ 24 के साथ गुना हो रहा है, जब उधर जाएगा तो k स्क्वायर के साथ भाग हो जाएगा। अब हम इन्हें आपस में काट देते हैं। देखिए k स्क्वायर से k कट जाएगा, k से k स्क्वायर का 1k कट जाएगा, 1 बच जाएगा बराबर, 24 से 4 कटेगा, 4 के पहाड़ में 24 आएगा 6 के ऊपर, तो k कितना आ गया हमारे पास 6, k कितना आ गया हमारे पास 6, यही हमें k का मान निकालना था। ठीक है, आशा करता हूँ ये प्रश्न आपको अच्छे से समझ आया होगा। यदि अच्छे से समझ आया तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।